तो हमने इसके पहले देखा था पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। सो आज हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बट आई थिंक उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसको डिस्कस करूँगा कि किसी पॉलिनोमियल की, जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पर समझिए, एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x+1। फाइन। अगर जैसे एक हम रिवीजन ले लें, इसके पहले जो हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अगर उस पर एक रिवीजन ले लें तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2 एंड 3, राइट। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। फाइन। अगर हम इसको नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे नामनक्लेचर करें तो देखिए इसमें डिग्री कितनी है, 3। डिग्री कितनी है, 3। फाइन। तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे हम नामनक्लेचर देते हैं और नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे हम इसको, डिग्री की वैल्यू कितनी है उसके बेसिस पे कैसे हम नामनक्लेचर देते हैं। ये इसके पिछले वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप उसको एक बार फिर से देखें। बट आज हम यहाँ पे कुछ और दूसरी टॉपिक करेंगे कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 2x+1, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये देगा, क्वेश्चन मैं पूरा लिख देता हूँ, इफ लाइक इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड एफ ऑफ वन। मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, एफ ऑफ टू एफ ऑफ -1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपके पास एफ एक्स की वैल्यू दी है, एफ एक्स का एक एक्सप्रेशन दिया है, दैट इज द पॉलिनोमियल, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ -1, राइट। तो हम इसमें ले लेते हैं फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या है, एफ ऑफ वन है। देखिए इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट वन क्या है, एफ ऑफ वन। देखिए आप ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स था, अब हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ वन, दैट मीन्स एक्स की जगह पे हमने वन निकालना है, राइट। एक्स की वैल्यू हमें वन से रिप्लेस करनी है, तो सिंपल आप ये समझ लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करना है, वन, दैट्स इट। अब देखिए इसमें पुट करिए इस इक्वेशन में, जो हमारे पास गिवेन इक्वेशन है, सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू फाइन 1³, राइट, वन हमने पुट कर दिया, प्लस 2 × 1 + 1, फाइन, सिंपल, वन आएगा, 2 आएगा + 1, 1 + 2 + 1, दैट इज 4, सिंपल है। इसी तरह से आप सेकेंड कीजिए, सेकेंड में यहाँ पे कर देता हूँ, सेकेंड में क्या है, एफ ऑफ टू फाइंड करना है, राइट। तो सिंपल है, देखिए एफ ऑफ एक्स हमें गिवेन है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें 2 से रिप्लेस करनी है, सिंपल है, तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2, दैट्स इट। सो एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू, इसमें पुट करिए 2³, राइट, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, सिंपल है। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, आपका बस वैल्यू, जो आस्किंग जो वैल्यू है, जो वैल्यू इसने पूछ रखी है, हमने एक्स को रिप्लेस किया, आपको भी यही करना है, ठीक है। 2³ हो जाएगा 8, आप फाइंड आउट करिए, हमने पहले भी बताया है, 2 × 2 = 4 + 1, 12 + 1 = 13, फाइन, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करिए, थर्ड वन। अगर थर्ड वन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, देखिए एफ ऑफ एक्स गिवेन है, हमें एफ ऑफ -1 पूछ रहा है, सो एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स इक्वल टू -1, दैट्स इट। इसके आप आगे कर लीजिए, इसमें आप वैल्यू रखिए, जितनी वैल्यू है उसको आप फाइंड करिए। सो आप इतना समझ गए कि किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, ये आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसमें ये पहला क्वेश्चन दिया है आपको, राइट, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जैसे कि एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ आपके समझने के लिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है, एफ ऑफ टी, टी के फॉर्म में, टी के फॉर्म में मतलब यहाँ पे वेरिएबल हमारा टी रहेगा, राइट। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 4t² - 5t³ ले लेते हैं, +6, राइट। हमें वैल्यू फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड
एफ ऑफ ए, सिंपल है। देखिए हमें पूछा गया एफ ऑफ टी गिवेन है, एफ ऑफ ए पूछ रहा है, तो हमें ए कोई ए जो है यहाँ पे टी की वैल्यू हमें ए से रिप्लेस करनी है, फाइन। तो हमें सोल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल है, टी को हम रिप्लेस करेंगे ए से, टी की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे ए। तो एफ ऑफ टी की जगह पुट करिए लेफ्ट साइड में, तो एफ ऑफ ए जहाँ टी है वहाँ ए पुट करिए, 4a⁴, 5 प्लस 5 टी की वैल्यू ए से रिप्लेस करिए, ए क्यूब मैं कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस 6, बस ये आपका हो गया आंसर। तो सिंपल आप कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ टी एक्स या किसी भी वेरिएबल में अगर आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, सो जो हमारे क्वेश्चन पूछता है एक्स की वैल्यू उससे रिप्लेस करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि जीरोज़ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हम जीरोज़ लिख देते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारी मेन हेडिंग है, हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी एग्जांपल से ही समझेंगे, क्योंकि जो देखिए मैथ्स का क्या है कि मैथ्स में एग्जांपल से ही आपको सारी चीज़ें समझना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज़। तो जीरोज़ का मतलब ये होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जीरोज़ का मतलब ये होता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ठीक है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें कि ये सारा वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए, फाइन। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जीरोज़ का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स इट। आप लैंग्वेज में बताइए, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिस पे ये सारे की सारे वैल्यू हमारी ये हमारी ज़ीरो हो जाए, दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, राइट। अगर आपको इतना कहा जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि एक्स की वैल्यू वन पुट कर देते हैं, आप कुछ ऐसा सोचेंगे वन पुट कर देते हैं, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं होगा, राइट। तो फिर आपके दिमाग में नेक्स्ट क्या आएगा, अच्छा एक्स की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं, 2 पे भी ज़ीरो नहीं हुआ, ठीक है, एक्स वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, ज़ीरो नहीं हुआ, ओके, माइनस में देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, ज़ीरो नहीं होगा, -2 पुट करेंगे फिर भी ज़ीरो नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, चलिए ये क्वेश्चन देख के हमारे मन में आया कि हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हमने एक्स वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, देखिए यहाँ से 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1, थोड़ा सा मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 1 4, जीरो नहीं आया, राइट। हमें जीरो करना है ना, ये सारी वैल्यू हमें जीरो करनी है, बट यहाँ पे जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये वाला हमने जो सेलेक्ट किया था अपने माइंड में ये गलत सेलेक्ट कर लिया था। दूसरा सेलेक्ट कीजिए, एक्स इक्वल टू हमने 2 रख दिया, तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 9, ये भी हमने गलत माइंड में सेट कर लिया। तो आप इस तरह से चीज़ें सेलेक्ट करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड पे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और एग्जाम में आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, फाइन, और आप जीरोस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इसका हिट एंड ट्रायल मेथड पे। इसके लिए हमने इसके लिए बुक्स में आपके एक ट्रिक दिया है, आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है उसको लिखेंगे इक्वल टू ज़ीरो, फाइन, एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हम क्या करेंगे इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, ये देखिए आप, ठीक है, फाइन। इसको हमने क्या किया, सिंपल क्या किया, जो भी एफ एक्स की वैल्यू दिया है उसको इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए इसका आपने फैक्टर करिए, आपने फैक्टर पढ़ा होगा, इसको देखिए ये इसका फैक्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 6th 7th में, इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स प्लस 1 इन वन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 आएगा इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 एंड -1, तो ये आपका आएगा ज़ीरो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू अगर -1 इसमें पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में जो हमने पहले क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी। आप करके देखिए, -1 यहाँ पुट करिए, -1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 प्लस 1, देखिए इसका 1 हो गया, -2 हो गया, प्लस 1, देखिए 0 हो गया ना। तो जीरोस का मतलब सिंपल ये होता है कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर एफ एक्स हमारा ज़ीरो हो जाए, उसको निकालने का प्रोसीजर क्या है, ये हमने जो आपको बताया यहाँ से, ये वाला चीज़ जो हमने बताया है,
ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब पर भी कोई बात नहीं है, प्रोसीजर आप सीख लिए। प्रोसीजर क्या है कि एफ एक्स को हमें जीरो के इक्वल लिखना है और जो भी वैल्यू उसकी यक्स की आएगी वही हमारे होंगे जीरोस। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल टू हम ले लेते हैं, फाइन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। फाइंड क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड जीरोज। ठीक है, तो हमने प्रोसीजर क्या बताया था, सोल्यूशन कुछ इस तरह से। प्रोसीजर ने क्या बताया था कि एफ एक्स की जो भी वैल्यू है उसको करेंगे जीरो के इक्वल। पहला प्रोसीजर, पहला स्टेप्स आपको यही फॉलो करना है जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, फाइन। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स हमारा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, क्लास सिक्स या सेवन में पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने पढ़ा होगा क्लास सिक्स सेवन में पढ़ा होगा, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, बस आप जीरो पर ध्यान दीजिए। एफ एक्स को जीरो इक्वल कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसका करिए आप फैक्टर, इसका आप इसका जब फैक्टर करेंगे तो आएगा एक्स माइनस वन इन वन ब्रैकेट, एक्स माइनस वन इन सेकेंड ब्रैकेट, फाइन। तो x की वैल्यू आप देखते हैं कैसे करते हैं, इस ब्रैकेट को जीरो इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू वन आएगा, अगेन जब इसको जीरो करेंगे इसका वैल्यू आएगा वन। तो x के हमारे पास दो वैल्यू आ गई, इस जिन पर एफ एक्स हमारा जीरो होगा, इसका मतलब ये हमारी दोनों वैल्यू जो हैं x के वो होंगे जीरोज, जीरोज ऑफ गिवन एफ एक्स, जीरोज ऑफ एफ एक्स। तो अभी आपको प्रोसीजर समझ में आ गया कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने आपको एक्सप्लेन किया। और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हम और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेते हैं, चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसीजर एफ एक्स इक्वल टू जीरो। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि आपने बेसिक सीख लिया है तो आपको समझ आएगा। एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, जीरो क्या आ गया माइनस वन बाई टू। इसके पहले वाले एग्जांपल पे आपने ध्यान दिया होगा, इसके पहले वाले जो एग्जांपल थे उसमें दो जीरो आए थे, राइट। आपने इसके पहले वाला जब एग्जांपल देखा था तो उसमें दो जीरो आए थे। अभी इसमें देखिए, जैसे देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में कितने जीरो आए थे, माइनस वन दो जीरो आए थे। बट इस वाले एग्जांपल में देखिए जीरोज कितने आए, वन जीरो आए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल चेक करिए आप, दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इजक्ल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर एफ एक्स इजक्ल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हम पुट करेंगे जीरो, सेम प्रोसीजर। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, राइट। और जब फैक्टर करेंगे इसका आएगा एक्स प्लस वन इन वन ब्रैकेट, फाइन, एक्स माइनस टू इन सेकेंड ब्रैकेट, फाइन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये माइनस है एक्चुअली, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन एंड प्लस टू, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, जीरोस, ठीक। एक थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी आपको ज़्यादा एग्जांपल, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आप उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होगे चीज़ों, क्योंकि मैथ्स क्या है कि प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। सो अगर एक एग्जांपल हम ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फाइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स क्यूब, क्यूब का टर्म ले लेते हैं इस बार, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है। प्रोसीजर क्या है हमारा, हम सबसे पहले स्टेप में करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, राइट। तो हमारे पास ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। सिमिलर प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जो सारे स्टेप्स आपने स्टार्टिंग में फॉलो किया है, चाहे वह न्यूमेरिकल छोटा हो या बड़ा हो, आपको सिमिलर स्टेप सब में फॉलो करना है। एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, फाइन। अब इसको जब आप फैक्टर करेंगे और फर्दर फैक्टर करेंगे तो आएगा एक्स
x minus 1 in one bracket and x minus 2 in second bracket is equal to 0. अब पुट करिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू, एक तो इसकी इस फैक्टर की वजह से जीरो वैल्यू आएगी, इस फैक्टर की वजह से प्लस वन आएगी, इस फैक्टर की वजह से टू. हमारे पास कितने जीरोज फाइंड आउट हुए, ये हमारे हो गए जीरोज ऑफ दिस एफ एक्स. अभी आपको आई थिंक सारा कुछ समझ में आ गया कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं. जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स बताए आपको, इस पर कुछ ऑब्जर्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, देखते हैं. ठीक है, हम एग्जाम्पल्स जो थे हम फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं पे ऑब्जर्व करना है हमें. जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 2x + 1, यही था ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1. इसका जीरोस क्या आए थे, जीरोस हमारे पास आया था सिर्फ एक जीरो आया था, -1/2. पहला एग्जाम्पल ये था. सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू. ठीक, जीरोस की क्या आए थे हमारे, -1 and +2. ठीक है, एक एग्जाम्पल और था ये हमारा थर्ड वन, हम इसको भी लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x. राइट, हमारे पास जीरोस क्या आए थे, 0, 1 and 2. ठीक है, इस पर कुछ हम ऑब्जर्व करेंगे, आप भी इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ जीरो. अब ध्यान से समझिए इसको, दोनों में एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है. इसकी डिग्री कितनी है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसकी डिग्री इसका पावर वन है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू, सो डिग्री यहाँ पे आएगी 1. राइट, यहाँ पे डिग्री हमारी क्या आएगी, 1 आएगी. देखिए अब इसकी डिग्री क्या आ गई, 1. इसको क्या बोलेंगे, लीनियर. मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, इसको देखिए, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू 2 है, तो डिग्री हो गई 2. इसको क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, स्टडी वाले क्लास में मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल उन सबको नहीं करना है, क्योंकि वो जो हमने बताए थे वो सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स थे, हमें यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लिखनी है. ठीक है, इसको देखिए, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी है 3, और डिग्री 3 है, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक, तो एक क्लोज रिलेशन हम देखते हैं, इसका हमने जब निकाला था नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ जीरो आए थे, सिर्फ 1 आया था. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो इक्वेशन था, इसका जो हमारे पॉलिनोमियल था, उसका नंबर ऑफ जीरो क्या आए गए, 1. ठीक, ये देखिए, इसमें देखिए, इस वाले इक्वेशन नंबर ऑफ जीरोस कितने आए थे, 1 and 2, टू नंबर ऑफ जीरो आए थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करना है. इसमें देखिए 1, 2 and 3 नंबर ऑफ जीरो आए थे, 3 हमने लिखा. ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, डिग्री जिसकी 1 है, जो भी पॉलिनोमियल है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरो भी 1 होंगे. फाइन, तो आप जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल दिया है कुछ इस तरह से, और आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप बस ये देख लीजिए, डिग्री इसकी 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 आएंगे. इसमें देखिए, डिग्री कितनी है, डिग्री हमारी 2 है, और नंबर ऑफ जीरोस भी 2 है. सिमिलर, डिग्री इसमें 3 है, नंबर ऑफ जीरोस हमारे 3 है. ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस दे देगा कि आपके पास क्वेश्चन देगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस कितने होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे. तो आपको समझना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट मींस डिग्री 3, दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस 3. आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपको ये चीज समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस डिग्री 2, दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस 2. ओके, एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको करिए.
ठीक, आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको मैचिंग कराना है, एक तरफ पॉलिनोमियल्स दे दिए हैं और एक तरफ नंबर ऑफ जीरोस दिया है। ये मैंने क्वेश्चंस जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है कि पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ाया था उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री होगी वन, और डिग्री वन है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो भी वन होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है टू और नंबर ऑफ जीरो भी होंगे टू, दैट्स इट। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है थ्री, सो नंबर ऑफ जीरोज होंगे थ्री, फाइन। तो इस तरह से आपने पॉलिनोमियल की डिग्रीज कंप्लीट कर ली। सो आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।